हम किसी को गाली दे रहे हैं और खाना खा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हो खाना खा रहे हैं, तो अंदर क्या जाएगा? विष जाएगा ना। तो इसलिए उस खाने को आप चार्ज करो, मेडिटेट मोशन में जाइए। अब मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से हमें जाना है। आपका दोस्त लाइफ को जगन्नाथ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल की लिंक लोगों को पहुंचाइए और मेरे साथ हम लोग बने रहें। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जो खाना हम खाते हैं उसको भी हम एक ध्यान की अवस्था में लेकर जा सकते हैं। हमने तो ध्यान सुना है कि शांत में बैठना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों ऐसा नहीं है, हम हर पल में हम ध्यान कर सकते हैं, उस अवस्था में हम जा सकते हैं। खाना खाने की जो प्रक्रिया है वो एक्टिव मेडिटेशन में आती है। एक्टिव हम यहाँ कर रहे हैं ना कुछ, या हम खाना खाने वाले हैं, चबाने वाले हैं, उसका आनंद लेने वाले हैं, हम हमारी पेट की भूख है वो उसको मिटाने वाले हैं। जब आपके पास खाना आया है तो हमारे पास एक प्रार्थना की जाती है, हर जगह पर हम उसको नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अन्न को परब्रह्म कहते हैं ना, क्योंकि वो ब्रह्म हमारे पेट के अंदर जाने वाला है। तो इस अन्न को, अन्न के हर कण को चार्ज करके आप उस एंड तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितनी सारी कोशिकाएं हैं उनको एनर्जी हम यहाँ से देने वाले हैं ना। यहाँ से अंदर जाकर उसका रस बनेगा, उसका रक्त बनेगा, और रक्त में हमें वो जो गुण है वो जाने चाहिए ना। हम किसी को गाली दे रहे हैं और खाना खा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हो खाना खा रहे हैं, तो अंदर क्या जाएगा? विष जाएगा ना। तो इसलिए उस खाने को आप चार्ज करो, मेडिटेट मोशन में जाइए। अब मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से हमें जाना है। अभी आपका खाना है सामने, आपके खाना आया है तो खाने के पहले बर्तन को देखिए, छोटा बर्तन है, बड़ा है, जो है उसके अंदर कितने सारे व्यंजन हैं आप देखिए ना। चावल है, सब्जी है, चपाती है, अचार है, पापड़ है, कोशिंबीर है, और बहुत सारी चीज़ें आपके पास है वहाँ लगे हैं। मीठा पदार्थ है, दही है, छाछ है। तो आप हर एक व्यंजन को देखिए, उसके हर एक कलर को देखिए, वाइट कलर है, दाल का रंग पीला है, जो राइस है वो सफ़ेद है, कलर्स देखिए और उनमें अपनी भावना ऐड कीजिए। ये सब मेरे अंदर जाने वाले, पेट के अंदर, और मेरी भूख तृष्णा मिटने वाली है। और उसको आपके हाथ से, अपना जो हाथ है ना वो आपके खाने के ऊपर ऐसा रखिए, हाथ ऐसा रखिए और उसको चार्ज कीजिए। उसको बोलिए कि मेरे हाथ से बहुत सारी ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा है, और ये मेरे पूरे भोजन को मैं चार्ज कर रहा हूँ। ऐसा उधर देखिए और बोलिए ये भोजन मेरा पूरा चार्ज हुआ है, ऐसा देखिए। और अभी हम ये चार्जिंग होने के बाद में हम जब उसको खाना खा रहे हैं, हम चपाती खा रहे हैं या कोई राइस, कोई पहले कोई राइस खाता है या कोई पहले चपाती खाता है, जो भी हम कुछ खा रहे हैं, तो हम मुँह के अंदर उसको ले रहे हैं तो चबा चबा कर उसको खाना है और उसका अंदर स्वाद लेना है, अंदर टेस्ट को महसूस करना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है ये लिया खाया, चबाते भी नहीं, फटाफट वैसे नहीं, चबा चबा कर 32 बार चबाना है, ऐसा चबा कर कम से कम आपको 20 मिनट खाना खाना है, 20 मिनट से ज़्यादा 30 मिनट तक आपको खाना खाना है। कुछ जगह पर बताया कि 50 मिनट तक आपको खाने को लेकर जाना है, या आप कुछ भी खा सकते हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता सीखाइए। एक वीडियो मैंने बताया था कि आपको जब 20 मिनट आप जब खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है, 20 मिनट के बाद में देखो आपको डकार आती है,
ये डकार क्या है? वो आपका स्विच है, रुको अभी, डकार आ गई, आपका ओवरफ्लो हो गया है, अभी आपके लिए आगे आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक रुकिए। इसलिए खाना थोड़ा ही खाइए, पर ऐसे चबा चबा कर खाइए, तो आपकी जो खाने की जो अंदर की जो भावना है, अंदर जो भूख है, वो पूरी मिट सकती है। देखते देखते खाइए और उसको स्वाद लेते लेते खाइए। देखिए ये करेंगे तो आपके देखो ना 20 मिनट की मेडिटेशन हुआ कि नहीं। इस तरह से आप ये निरंतर अपनाइए, आप सुबह शाम, ये तो आपके पास ना आप नाश्ता भी कर रहे हैं तो आपका 3 बार खाना हो रहा है, तो आप दिन में बोले 3 बार, तो ऐसे महीने में तो कितने हो गए, 90 बार आप मेडिटेशन कर रहे हैं। ऐसे हर पल में आप उसका आनंद ले सकते हैं और अपने और जो आप कमांडिंग करने वाले बोलने वाले, तो उसका आप रक्त बनने वाला है, तो वो आपके विचार भी वैसे बनेंगे, पावरफुल बनेंगे। ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो डिजीज़ है, वो जो निगेटिव, आपके पास डिजीज़ कहाँ से आते हैं? विचारों से आते हैं ना। निगेटिव जो भावना होती है, आप स्ट्रेस से या तकलीफ होती है आपके बॉडी के अंदर, उसकी वजह से अंदर अंदर अलग अलग रोग आते हैं, तो अंदर उसको निकल सकते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। देखो कितनी पावरफुल टेक्निक्स है, ये हमारे पूर्वजों ने हमें बताई है, पर हम उसको यूज़ नहीं करते। हमारा विश्वास किधर है? वो जो अंग्रेज़ों ने जो दिए, जो एलोपैथी जो गोलियाँ है उसके ऊपर, सुबह की 2 गोलियाँ, रात की 2 गोलियाँ, इसके लिए खाना खाने के पहले जो डायबिटीज़ वाले उनके लेना पड़ता है। एक मेरा दोस्त है, वो डेली इंजेक्शन लेता है, नाश्ता खाने के टाइम में एक लेगा, खाना खाने के टाइम में लेगा, रात को लेगा, तो ये क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं, आपका भलाई होने वाला है, आप अच्छे अच्छे भावना दीजिए और खाना खाइए और आपका भलाई होगा। तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स कॉज व्हेनेवर वी अपलोड न्यू वीडियो।